ये उपाय टाल सकते हैं अकाल मृत्यु का योग। जानते हैं क्या है ये और कैसे करते हैं इन्हें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। शिव शंकर जी के बारे में कहा जाता है कि जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे टालने के लिए जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। यह करते समय मन में आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को अकाल मृत्यु का भय है तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को उपाय करना चाहिए। इसके लिए काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लें। इसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिला लें। फिर जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद उसे भैंसे को खिला दें। मान्यता है ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। चील या कौवे का यह उपाय भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी को अकाल मृत्यु का भय सता रहा हो तो गुड़ और आटे के गुलगुले बना लें। इसके बाद इन गुलगुलों को जातक के सिर से 7 बार उतारकर चील या कौवे को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि यह उपाय जातक को अकाल मृत्यु के भय से बचाता है, लेकिन यह उपाय जातकों को मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार को ही किया जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु टालने के लिए न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के पूजन के अलावा लोहे की वस्तुएं, शनि चालीसा, जूता चप्पल, काले वस्त्र और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। धन्यवाद।